हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने जो हाजिर हुआ हूं अपनी वोकैब्स की वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी कंटेंट मैं लेने वाला हूं, ये दोस्तों कंटेंट ही कुछ ऐसा है। और आज का जो मेरा वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन करके हर एक यूथ के या फिर हर किसी इंसान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगा कि वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वर्ड है जिस पे मैं सारी बात करने वाला हूं, आने वाली मैं आपको ये पूरा सेशन जो है मैं आपके सामने जो लाने वाला हूं, तो दोस्तों वो जो मेरा आज का वर्ड है वो है आपका शादी। समझ रहे हैं कौन सा वर्ड है? जी हाँ, आज का हमारा वर्ड है शादी। इट्स मीन्स आपकी मैरिज। तो आप सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी। तो दोस्तों, आज की जो सारी बात होने वाली है, आज हम सारी बात करेंगे शादी से जुड़ी हुई। अब शादी किस तरीके से होती है, कितनी शादी होंगी, तो क्या नाम देंगे अगर शादी हो जाती है, और शादी के बाद अगर छूट जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं तो उनको क्या नाम देंगे, हर एक वर्ड्स जो कि आपका शादी से रिलेटेड है, आज मैं उन सभी वर्ड्स को जो आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, शुरू करता हूं अपनी आज की वीडियो, अपना जो है बिल्कुल बेसिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे भाई, जब भी कभी बात आती है मैरिज की, तो आप रूट वर्ड से बात को समझिएगा। मैं आपको आज जो कंटेंट क्लियर करने वाला हूं, मैं आपको क्लियर करूंगा रूट वर्ड से। तो मेरे भाई ध्यान देना कि जो ये आपका वर्ड है मैरिज, इस मैरिज वर्ड के लिए जो आप हमेशा एक रूट वर्ड यूज करते हैं, और वो रूट वर्ड मेरे भाई कौन सा होता है? रूट वर्ड मेरा होता है गैमी। रूट वर्ड मेरा क्या होता है? गैमी। इट्स मीन्स अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में गैमी वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि आप उस वर्ड की मदद से बात कर रहे हैं किसी ना किसी तरह की शादी से रिलेटेड। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जो वर्ड होता है, रूट वर्ड जो मेरा गैमी होता है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? मैरिज के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो मेरे स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स हैं वो मैंने ऐसे लिए हैं जिनमें कि इस रूट वर्ड का जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैंने कुछ वर्ड ऐसे भी लिए जिनमें कि ये रूट वर्ड नहीं आ रहा। क्योंकि जो मेरा टारगेट होता है वो ये होता है कि अगर मैं कोई भी एक वर्ड ले रहा हूं, जैसे कि मान के चलो आज मैं मैरिज वर्ड को जो है ले रहा हूं, तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैरिज वर्ड से रिलेटेड हर एक वर्ड को मैं आपके सामने लेकर के आऊं जो कि एग्जाम में आया है या फिर आने की उम्मीद है या फिर जिससे एसएससी जो है क्वेश्चन क्रिएट कर सकती है। तो चलो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी बात आएगी मैरिज की तो आप रूट वर्ड का यूज करते हैं। रूट वर्ड हमारा क्या होता है? गैमी होता है। तो देखो मेरे भाई, रूट वर्ड जो है हमारा ये होता है हमारा गैम। अब इसमें कुछ आप वर्ड्स देख पा रहे होंगे, जैसे कि आज का सबसे पहला जो मेरा वर्ड है वो है मेरा मोनोगैमी। आज का मेरा सबसे पहला वर्ड क्या है? मोनोगैमी। तो मेरे भाई आपको जो ये वर्ड सीखना है कि ये मोनोगैमी क्या चीज है। तो देखिए, जब भी कभी बात आएगी आपकी मोनोगैमी की, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि आपका क्या रहा है? गैमी आ रहा है। तो चलो भाई, वर्ड्स की जो है मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करता हूं। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात आप सभी देख पा रहे हैं, रूट वर्ड यूज हो रहा है गैमी, तो बात किसकी हो रही है? मैरिज की हो रही है। लेकिन इसके भी पहले मैंने दूसरा रूट वर्ड भी यूज किया हुआ है, और रूट वर्ड है आपका मोनो। और आप याद रखिएगा मेरे भाई कि जब भी कभी बात आएगी मोनो रूट वर्ड की, तो इस मोनो रूट वर्ड का मतलब होता है मेरे भाई वन। मोनो किसके लिए यूज किया जाता है? वन के लिए यूज किया जाता है। तो इट्स मीन्स जो मोनोगैमी वर्ड है, इसका मीनिंग क्या निकला कि वन। अब देखिए मेरे भाई, मोनो का मतलब निकला आपका जो है वन, और गैमी का मतलब आपका निकला मैरिज। तो इट्स मीन्स वन मैरिज। क्या निकल करके आया आपका आंसर? वन मैरिज। कि जब भी कभी आपके कहीं पर कोई भी एक ऐसी रीति नीति परंपरा है जिसके अंदर एक समय पर मात्र एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, तो ये जो हमारी परंपरा होती है इसको क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई? इसी को नाम दिया जाता है, जी हाँ, मोनोगैमी। तो मोनोगैमी का मतलब क्या हो गया? अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन मैरिज एट अ टाइम। फिर से सुनिए मेरे भाई, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन मैरिज एट अ टाइम कैन बी टर्म्ड एज मोनोगैमी। आई थिंक फर्स्ट वर्ड आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है मेरे भाई आपके सामने बाइगैमी। अब देखो, फिर से वही बात हो रही है, आपका रूट वर्ड यूज हुआ गैमी, तो भाई बात किसकी कर दी आपने? मैरिज की कर दी। लेकिन इसी के सामने फिर से एक और रूट वर्ड का यूज किया हुआ है, बाई का। किसका यूज किया हुआ है? बाई का। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये जो बाई रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू। इसका मतलब क्या होता है आपका? टू। इट्स मीन्स फिर से आपका मीनिंग क्या निकला? आपका मीनिंग निकलता है टू मैरिज। इट्स मीन्स जब भी कभी किसी भी समाज के अंदर एक समय पर एक साथ दो शादियां करने का जो है आपको
परमिशन दे दी जाए या फिर अलाउड कर दिया जाए, तो ये जो आपकी परंपरा होगी, ये जो आपका कस्टम होगा, रीति नीति परंपरा होगी, इसी को आप क्या नाम दोगे मेरे भाई? बाइगेमी। आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब निकलेगा कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड एट अ टाइम, इट्स मींस जब भी कभी एक समय पर दो शादी की जा सकती हो, तो उसी परंपरा को क्या बोलेंगे आप? बाइगेमी बोलेंगे। आई होप दोनों वर्ड्स क्लियर हुए होंगे, फिर से रिवाइज करता हूं। मोनोगैमी, तो मोनो वर्ड यूज हो रहा है, इट्स मींस वन। गैमी, इट्स मींस शादी। तो जब एक शादी की बात आएगी तो मोनोगैमी बोला जाता है, जब दो शादियों की बात आएगी तो आप उसको बोल देंगे बाइगेमी। आई होप दोनों वर्ड क्लियर हुए होंगे। थर्ड वर्ड पे लेके चल रहा हूं भाई, फिर से आ गया आपके सामने रूट वर्ड गैमी। फिर से रूट वर्ड क्या आ गया? गैमी। और इस गैमी का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? मैरिज। लेकिन इस बार इन्होंने जो सामने वर्ड यूज किया है वो अलग है, मतलब डिफरेंट वर्ड यूज किया है। और ये मेरा यूज कर रहे हैं पॉली। इस बार रूट वर्ड क्या ले रहे हैं? पॉली। तो मेरे भाई पॉली का मतलब होता है सेवरल, मैनी, इट्स मींस मोर देन वन। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी एक समय पर बहुत सारी शादियां करने का अलाउड हो, इट्स मींस एक समय पर इंसान जो एक से ज्यादा शादियां जो कर सकता है, तो उस परंपरा को, वो जो आपका कस्टम है, उसको आप मेरे भाई क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई? पॉली का रूट वर्ड क्या होता है? मैनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी, या फिर आप कह सकते हैं मोर देन वन। मोर देन वन, कि जब भी कभी आप एक से ज्यादा शादियां कर पा रहे हैं एक समय पर, तो उस कंडीशन में मेरे भाई बोला जाता है पॉलीगैमी। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें भी मैं आपको बताना चाहूं तो ऐसे समझ लो कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम कैन बी टर्म्ड एज पॉलीगैमी। कैन बी टर्म्ड एज पॉलीगैमी। मेरे साथ के साथ मेरे भाई जो दोहराते चलो, गारंटी ले रहा हूं अभी के अभी याद करा दूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके जितने भी ये वोकैब्स मैं पढ़ाता हूं, ये आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे, बशर्ते मेरे साथ के साथ जब भी कभी आप ये वीडियो देखा करो तो मेरे साथ के साथ आप भी बिल्कुल एनर्जेटिक होकर रहा करो, जैसे कि मैं हूं आपके सामने। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ अपनी नोटबुक हमेशा ओपन रखा करो, जिससे कि आप जो साथ के साथ कॉपी भी करते रहे। या फिर एक काम कर लिया करें आप, कि पहले वीडियो को देख लिया करो और फिर उसके बाद आराम से वीडियो को पॉज कर करके उनको जो कॉपी करके प्यारे से नोट्स बना लिया करो। लेकिन मेरे भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गारंटी मैं ले रहा हूं। इंग्लिश में आपको कभी कोई समस्या नहीं आने की, लेकिन मेरे भाई फिर कह रहा हूं मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं केवल गाइड कर सकता हूं। चलिए भैया आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यहां पर जो पॉलीगैमी वर्ड है और ये पॉली एंड्री वर्ड है, कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन जो मेरे भाई पॉली एंड्री वर्ड है, ये मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? ना जाने कितनी बार एसएससी में या फिर डिफरेंट वनडे एग्जाम्स में जो ये क्वेश्चन मेरा यहां से उठा है, और बच्चा इसका आंसर देकर के आता है पॉलीगैमी। लेकिन ध्यान से समझना मेरे भाई डिफरेंस क्या है। देखो जब एक हस्बैंड, पॉइंट को समझिएगा मेरे भाई, जब एक हस्बैंड एक समय पर एक से ज्यादा वाइफ्स को रखनी, एक से ज्यादा वाइफ्स के साथ रहे, इट्स मींस एक से ज्यादा शादी जब एक हस्बैंड एक समय पे करता है, तो उस चीज को बोला जाता है मेरे भाई पॉलीगैमी। लेकिन अगर यही कस्टम उल्टा हो जाए, भाई हस्बैंड का ही मन थोड़ी है कि एक से ज्यादा बीवियों को रखेगा, हो सकता है वाइफ का मन हो कि मैं तो जी एक से ज्यादा पति के साथ रहूंगी एक टाइम पे। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? जैसे कि फॉरेन में होता है, हमारे इंडिया में तो अभी बहुत भाई कह सकते हैं दया है या फिर रहम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहाँ की जो लेडीज है वो फोर्स नहीं करती इस चीज को। लेकिन मेरे भाई अगर किसी वजह से कंडीशन बन जाए कि अगर एक वाइफ चाहे कि वो भी एक समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड के साथ शादी करे, या फिर मतलब एक लेडी अगर एक समय पर एक से ज्यादा शादी करती है, तो जो ये लेडी वाली कस्टम हो जाती है, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, तो उस कंडीशन को मेरे भाई बोल दिया जाता है पॉलीएंड्री। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से समझ लो, अगर एक मेल है वो एक से ज्यादा शादियां कर रहा है तो होगा पॉलीगैमी, लेकिन अगर एक फीमेल है और वो एक से ज्यादा शादियां कर ले रही है एक समय पर एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? पॉलीएंड्री। तो इसी वजह से क्या हो गया मेरा? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हो गया। कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चा पॉलीगैमी लगा देता है कि जी शादी तो हो रही है, लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझो, शादी जरूर हुई अगर पति ने करी एक से ज्यादा पत्नियों के साथ, मतलब पति एक पत्नी अनेक, तो पॉलीगैमी, और अगर पत्नी एक और पति अनेक, तो मेरे भाई पॉलीएंड्री। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? आई होप मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ रहा हूं, चीजों को याद करते चलना है अभी के अभी, समझते भी चलना है और याद भी करते चलना है। तो चलो भाई अब मैं फिफ्थ वर्ड पे आपके सामने आ रहा हूं।
देखो भाई फिफ्थ वर्ड है आपका मैट्रिमोनी। अब मैट्रिमोनी जो होता है आपका, यहां से आपको ये वर्ड सुना होगा और इससे मिलता जुलता एक वर्ड और सुनते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप। समझ रहे हैं? जैसे कि आजकल चल रहा है शादी.com। क्या चल रहा है? शादी.com। लॉकडाउन में फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं भाई, अगर किसी को करवाने हो करवा लेना। अब मेरी तरफ मत देखो, मैंने नहीं करवाया, ठीक है भाई? तो बात कर रहा हूं मैट्रिमोनी पे। देखो भाई मैट्रिमोनी का मतलब होता है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, इट्स मीन शादीशुदा जो होता है उसको बोला जाता है मैट्रिमोनी। समझ आया होगा? अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि इंसान शादी कर चुका होता है, तो जो शादीशुदा वाली अवस्था होती है उसको मेरे भाई क्या नाम दिया जाता है? मैट्रिमोनी नाम दिया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, फिर से सुन लो। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है, इट्स मींस कि वो जो है अपना जो सुख चैन है वो गवा चुका है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? मैट्रिमोनी बोलेंगे। चलो भाई पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मेरे भाई ध्यान देना नेक्स्ट वर्ड पे लेकर के चल रहा हूं, मिलते जुलते तीनों वर्ड से इसलिए मैं साथ में इनको लिया हूं। नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे भाई सेलिबेसी। अब सेलिबेसी जो होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य या फिर ब्रह्मचारी। इट्स मींस एक ऐसा इंसान जो कि पूरी जिंदगी शादी नहीं करता, उसको बोला जाता है मेरे भाई सेलिबेसी। और इसको मैं एक दूसरी, अगर मैं इसके बारे में भी पूरा आपके सामने इसका पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करूं, तो आप बोल सकते हैं कि आपका अ स्टेट ऑफ एब्स्ट्रेशन फ्रॉम मैरिज, मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि इंसान जो है शादी से बिल्कुल मना कर दे और वो शादी करे ही ना, तो उसको क्या बोला जाता है? सेलिबेसी बोला जाता है। लेकिन मेरे भाई पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना जो बात कहने वाला हूं। अब ये स्थिति दो बन गई, मान के चलो भाई ये दो लड़के हैं, ठीक है जी, आपके सामने दो लड़के मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। इसकी उम्र है मेरे भाई 45 ईयर, हालांकि लड़का गलत कह रहा हूं मैं इसको, ये तो आदमी हुआ, ठीक है भाई। और ये जो लड़का है इसकी उम्र है स्वीट 21 ईयर्स लाइक मी, ठीक है जी। अब ध्यान देना, ये बंदा है इसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। इसने क्या काम करा? इसने बिल्कुल साफ साफ अपने घर वालों से बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जो है समाज में कुछ बड़ा काम करना है, अकेला रहना, ठीक है भाई। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बड़ा काम किसने किया? जिसने शादी नहीं की। मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो, मनोहर लाल खट्टर जी को देख लो, समझ रहे? तो बहुत एग्जाम्पल्स हमारे समाज में जो भरे पड़े हैं। तो भाई ये बात समझ में आई। अब ये बंदा है 21 साल का, इसने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन इन फ्यूचर ये शादी करेगा। पॉइंट को भाई क्लियर करना, बड़े इजी वर्ड्स देना चाहता हूं मैं। ये 21 साल का है लेकिन ये शादी करेगा, इसने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जी मुझे शादी नहीं करनी, करूंगा जी 25 पे जाके करूंगा। अब मेरे भाई ध्यान देना, ये जो दोनों बंदे हैं, इन दोनों बंदों को आप कुंवारा बोलेंगे, समझ रहे हैं? इन दोनों बंदों को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंवारा। हिंदी में क्या बोलोगे? कुंवारा। लेकिन इन दोनों कुंवारों में फर्क है इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। हिंदी में सेम चलेंगे कि भाई कुंवारा है अभी शादी नहीं की, ऐसी 21 वाले को बोल देंगे, ऐसी 45 वाले को बोल देंगे। लेकिन ये जो मेरे भाई 45 वाला है, इसके लिए वर्ड इंग्लिश में यूज होगा सेलिबेसी। सेलिबेसी, ठीक है मेरे भाई, वर्ड क्या यूज होगा? सेलिबेसी। लेकिन मेरे भाई ये जो स्वीट 21 ईयर्स वाला बंदा है, इसके लिए वर्ड आएगा बैचलर। इसके लिए वर्ड क्या आएगा मेरे भाई? बैचलर। हिंदी मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का मतलब कुंवारा होता है। लेकिन ध्यान देना, जिसने अभी शादी नहीं करी लेकिन वो करेगा, उसको बोलोगे बैचलर। लेकिन जो बंदे ने कसम खा रखी है कि करनी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे आप? उसे बोलेंगे सेलिबेसी। पॉइंट क्लियर हुआ होगा सभी को। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ रहा हूं, तो बैचलर वर्ड आपका क्लियर हो गया। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर कटवा के आया था बैचलर की स्पेलिंग पे। ये जो बैचलर का स्पेलिंग है ना, इस पे भाई मैंने अपना एक मार्क्स कटवाया था, क्योंकि इसमें स्पेलिंग आई थी एग्जामिनर ने दी थी बैचलर BACHLOR, और मैं इसी को जो है सही स्पेलिंग मान करके लगा करके आया था। तो आपको ध्यान देना, बैचलर ई पहले आता है मेरे भाई, ई का ध्यान रखो, बैचलर की स्पेलिंग में ई मस्ट है, अगर नहीं लगाया गलत कर दोगे, ठीक है मेरे भाई। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट वर्ड्स पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को, अगर दिक्कतें आ रही हो भैया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है भैया माइसोगैमिस्ट। अब देखो माइसोगैमिस्ट जो वर्ड है ये बड़ा आसान है, अब आना बंद हो गया भाई, ठीक है जी। पहली बात, वर्ड दिख रहा है भाई गैमी, वर्ड दिख रहा है गैमी,
दूसरी बात, इसमें लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है आपका सफिक्स आईईएसटी, आईईएसटी का मतलब हो गया मैन की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। और इससे भी पहले आपको एक रूट वर्ड नजर आ रहा है मेरे भाई, माइसो, और माइसो का मतलब आप सभी को मैं बता चुका था अपने लास्ट वीडियो में, इसका रूट वर्ड मीनिंग होता है हेड। अब मेरे भाई देखो, इस वर्ड का मैं ऐसे ही मीनिंग आपको क्लियर कर दूंगा। माइसो का मतलब हेड, हेड का मतलब आप सभी जानते हैं, हेड का मतलब होता है मेरे भाई नफरत। हेट का मतलब आपका क्या होता है? नफरत। इट मीन्स जो हम किसी को देख के जलते हैं, जेलेसी, हालांकि जेलेसी तो नहीं कह सकते, नफरत है, घृणा है ये, ठीक है मेरे भाई। और गैमी मतलब आप जानते हैं मैरिज, ठीक है जी। और मैन इट्स मीन्स वो बंदा जो कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या निकला? वन हु हेट्स मैरिज। मीनिंग क्या निकला? वन हु हेट्स मैरिज, इट्स मीन्स एक ऐसा इंसान जो कि शादी से नफरत करता हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? माइसोगैमिस्ट। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं भाई। नेक्स्ट जो मेरा आपका वर्ड मैं आपके सामने लाने वाला हूं, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिन सिटर। वर्ड क्या है? स्पिन सिटर। सबसे पहली बात, वर्ड को क्लियर बाद में करूंगा, यहां से क्वेश्चन सीख लो। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों को क्वेश्चन आता था, लेकिन भैया ऑप्शन ये रख दिए। पॉइंट समझना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, हर बच्चा इस वर्ड को जानता है, लेकिन एग्जामिनर ने फंसाने के लिए भैया दो वर्ड लगा दिए। मान के चलो लगभग 60% बच्चे क्लियर आउट, क्लियर बोल्ड हो गए मेरे भाई, तो इसकी कंसेप्ट को लेके जाना आज। पहले देखो, पहले बात कर ले रहा हूं स्पिनस्टर की, जो मेरा पहले वाला है। इस स्पिनस्टर का मतलब होता है कि स्पिनस्टर का आपका मतलब होता है कि एन इल्डर वुमेन हु इज नॉट गेट मैरिड, या फिर हु इज अनमैरिड, कि एक ऐसी स्त्री जिसने कभी शादी नहीं की, समझ रहे मेरे भाई? ऐसे समझो, अभी मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था मेरे भाई सेलिबेसी। वर्ड क्या पढ़ाया था मेरे भाई? सेलिबेसी। ये किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। तो जब यही मेल की जगह क्या बन जाए मेरे भाई? फीमेल पे बात आ जाए कि कोई लेडी है, वो भी शादी नहीं करना चाह रही, तो उसको आप क्या बोल दोगे मेरे भाई? स्पिनस्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्पिनस्टर बोल देंगे कि जब एक लड़की शादी करने के फेवर में ना हो और उसने डिसाइड किया हो कि पूरी जिंदगी अकेली जिएगी, तो उस लेडी को क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई इंग्लिश में? स्पिनस्टर। स्पिनस्टर, स्पिनस्टर, समझ गए? चलो, तो स्पिनस्टर का मतलब हो गया कुंवारी लड़की या फिर एक वृद्ध महिला जिसने शादी नहीं करी भाई। चलो, अब बात कर रहा हूं मैं स्पिनस्टर, जिसमें आई लगा दिया तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा? तो मेरे भाई इसका बिल्कुल अलग मतलब निकल जाता है। ये वर्ड ही अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, और इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है विग्ड। इसका मतलब क्या होता है? विग्ड। अब ये विग्ड वर्ड क्या चीज है मेरे भाई, इसको समझो। विग्ड वर्ड का अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, तो इसका मतलब होता है शैतान। इसका मतलब आपका क्या होता है? शैतान। अब भाई शैतान भूत वाला नहीं है, पहली बात। ये शैतान आपका वो है नटखट, होते थे ना हम बचपन में, बहुत शरारतें करी हमने, तो जो बच्चा है ना, जो शरारती है, उसको आप क्या बोलेंगे? स्पिनस्टर, आई वाला स्पिनस्टर, समझ रहे हैं? तो स्पिनस्टर में याद रखें, कभी आई नहीं लगता। तो अगर आई नहीं लग रहा एन के बाद, तो इट्स मीन्स वो आपकी बात कर रहा है एक ऐसी लेडीज की जिसने शादी नहीं करी। लेकिन अगर मेरे भाई आई लगा दिया, तो इट्स मीन्स आप बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे की जो कि बहुत ज्यादा शरारती है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे चल रहा हूं। अब देखो मेरे भाई, बड़ा आसान सा वर्ड मैं लेने जा रहा हूं इस अब जो दो वर्ड है, आई होप आप सभी जो है मजा कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे ये जो आज का हमारा सेशन है, क्योंकि भाई बात ही कुछ ऐसी चल रही है, बात शादी पे आ रही है। और शादी के बारे में एक बड़ी बढ़िया सी कहावत है मेरे भाई, कि शादी है एक ऐसा लड्डू जो कोई खा ले वो पचता है, जो ना खाए सो ललचाए, समझ रहे हैं ना? तो कहावत अपने आप में बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे भाई। चलो अपना वर्ड्स का देखो मेरे भाई, बात कर रहा हूं विडो की और विडो वर की। ये दोनों वर्ड्स बड़े इजी हैं, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं मेरे भाई दोनों ही वर्ड। अब देखो इनकी क्या कहानी है भाई। जो ये वर्ड विडो होता है, इस विडो का मतलब होता है कि जब भी कभी आपका कोई भी लेडीज है और उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई, समझना बात को, कि अगर कोई लेडी है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो वो लेडी होगी उसको हिंदी में बोला जाता है आपका क्या बोलेंगे बताइए आप जल्दी से? विधवा। क्या बोला जाता है? विधवा। और विधवा को ही इंग्लिश में बोल दिया जाता है मेरे भाई विडो, समझ रहे हैं?
तो आप इसे क्या बोलेंगे, अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज बीन डेड। समझ रहे हैं कि ऐसा या फिर एक ऐसी लेडीज, एक ऐसी नारी, एक ऐसी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उस स्त्री को क्या बोलेंगे आप, उसे बोलेंगे विडो। क्या बोलेंगे? विडो। विडो का मतलब विधवा। क्या बोलेंगे? विधवा। चलिए भाई, अब बात आई विडो ओवर की, अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी पति की ही डेथ हो, यह भी तो पॉसिबल है पत्नी की डेथ हो जाए। समझ रहे हैं? तो अगर कोई पुरुष है और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उस पुरुष को हिंदी में बोला जाता है विधुर। हाँ सॉरी, क्या बोला जाता है? विधुर। और विधुर को इंग्लिश में मेरे भाई क्या बोला जाएगा? विडोवर। क्या बोला जाएगा? विडोवर। तो इट्स मींस आपका मीनिंग यहां पे क्या निकलता है कि अ हस्बैंड हुज वाइफ हैज बीन डेड। समझ रहे हैं? कि एक ऐसा पति जिसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई तो उसे क्या बोलोगे? विडोवर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चल रहा हूं मेरे भाई, नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है एलिमनी। अब ये जो एलिमनी है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैं जो अनयूजफुल वर्ड होते हैं या फिर बढ़िया वर्ड नहीं होते हैं उनको अपने आप स्किप कर देता हूं, क्योंकि बढ़िया पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और टू द पॉइंट पढ़ो और अपना बढ़िया स्कोर करो, ठीक है ना? कोई फायदा नहीं कचरा पढ़ने में, बढ़िया टू द पॉइंट चीजों को पढ़ो और बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ हमेशा स्टडी करो। चलो भाई, बात कर रहा हूं एलिमनी। अब इस एलिमनी वर्ड को ऐसे समझो मेरे भाई, मैंने अब तक तुम्हें सारी स्थिति क्लियर कर दी कि भाई एक शादी होगी तो मैंने कर दिया उसको क्या मोनोगैमी, दो हो गई बाईगैमी, दो से ज्यादा करी पॉलीगैमी। अब दो से ज्यादा पॉलीगैमी में तब हुई जब एक हस्बैंड वाइफ को लाया, लेकिन अगर एक वाइफ दो से ज्यादा हस्बैंड के साथ एक साथ रह रही है, मतलब उसने शादी की हस्बैंड से, तो पॉलीएंड्री हो गया। इसी के साथ मेरे भाई मैंने आपको कंडीशन क्लियर करी सेलिबेसी की, बंदा शादी को तैयार ही नहीं, पूरी जिंदगी कुंवारा रहेगा, सेलिबेसी है। शादी करना चाहता है लेकिन अभी नहीं हुई, बैचलर हो गया। समझ रहे? शादी कर ली, मैट्रिमोनी हो गया। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको और भी वर्ड्स क्लियर किए। अब जो मेरी बात आती है, मैंने विडो भी पढ़ा दिया आपको, विडोवर भी पढ़ा दिया, माइसोगैमिस्ट पढ़ा दिया कि नफरत कर रहा है, माइसोगैमिस्ट हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? अब एक बात समझो, मैं सारी बात बता रहा हूं लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी तो होती है मेल और फीमेल के बीच में कि जब उनका रिलेशन नहीं चल पाता और उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है। समझ रहे हैं? अब जब डाइवोर्स हो जाता है तो जो हस्बैंड होता है उसको कुछ अमाउंट पे करना होता है अपनी वाइफ के लिए। भाई ऐसा थोड़ी आप अपनी वाइफ को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको भी तो कुछ अमाउंट देंगे कि आप इस अमाउंट के सहारे अपने जीवन को जो है यापन कर लीजिए। समझ पा रहे? तो वो जो अमाउंट होता है कि अमाउंट पेड टू अ वाइफ आफ्टर डाइवोर्स, पॉइंट को समझना कि अमाउंट पेड टू अ वाइफ आफ्टर डाइवोर्स, उसको मेरे भाई क्या नाम दिया जाता है? एलिमनी इसको नाम दिया जाता है। वर्ड समझ में आया नहीं आया? फिर से समझ लो कि जब तलाक के समय जो अपनी पत्नी को एक पति पैसे देता है, अमाउंट देता है गुजारा करने के लिए, जो पैसा देता है कि भाई इसके सहारे तू अपना जीवन चला ले, तो वो जो पैसा होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉन्क्यूबिनेज, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत चल रहा है आजकल। भाई कॉन्क्यूबिनेज को अभी आसान कर दूंगा, सब बच्चे आंसर दे देंगे, सभी समझ जाएंगे। इसका एक वर्ड चल रहा है मेरे भाई, लिव इन रिलेशनशिप। इशू वर्ड को तो आप सभी जानते होंगे मेरे भाई, क्या जानते होंगे? लिव इन रिलेशनशिप। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसी को बोला जाता है आपका कॉन्क्यूबिनेज। अभी लिविंग रिलेशनशिप क्या चीज है? तो लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वेन अ मैन एंड अ वुमेन लिव्स टुगेदर विदाउट मैरिज कैन बी टर्म्ड एज या कैन बी सेड एज कॉन्क्यूबिनेज। कि जब एक पुरुष और एक स्त्री बिना शादी किए साथ रहे तो उसको क्या बोलोगे? कॉन्क्यूबिनेज। क्या बोलोगे मेरे भाई? कॉन्क्यूबिनेज। क्या नाम देंगे? कॉन्क्यूबिनेज। तो कॉन्क्यूबिनेज का मतलब हो गया लिविंग रिलेशनशिप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जब एक पुरुष और एक स्त्री, मतलब मेल और फीमेल, बिना शादी किए साथ रह रहे हैं तो उनके रिलेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्क्यूबिनेज, लिविंग रिलेशनशिप। पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है एडल्ट्री। एडल्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा है क्वेश्चन में। देखो एडल्ट्री का मीनिंग जो होता है, एडल्ट्री का मतलब होता है मेरे भाई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। समझ रहे हैं भाई? एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। अब ये वर्ड भाई समझ पाए होंगे आप सभी, इजी वर्ड्स में समझो।
आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि कुछ पुरुष और कुछ स्त्री ऐसी होती हैं कि जिनकी शादी के बाद भी किसी अनदर पर्सन से या फिर किसी अनदर लेडी से रिलेशन होते हैं, समझ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं नाजायज संबंध, या फिर एक तरीके से अक्सर आप देखते हैं कि एक पुरुष है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये जो मेरे भाई गलत तरीके के जो संबंध होते हैं जो शादी के बाद बना लिए जाते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के किसी अनदर पर्सन या वुमेन के साथ, तो उस टर्म के लिए मेरे भाई वर्ड यूज किया जाता है क्या, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडल्ट्री, और इट इज एन क्राइम, एडल्ट्री इज एन क्राइम। इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा डाइवोर्स और बहुत सारे जो घर में झगड़े होते हैं उसका एक रीजन है, मेन कॉज है, ठीक है मेरे भाई। तो एडल्ट्री वर्ड भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एडल्ट्री वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो तो भाई आज के वर्ड्स कुछ इतने ही रहे मेरे साथ, ये ऑलमोस्ट मैंने सभी मैरिज रिलेटेड वर्ड्स आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है कुछ बढ़िया बढ़िया से वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको जो है मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।